अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल का हर से विलेज ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। और अभी मैं आया हूँ बाग में तेली और चारा काश्त करने के लिए, और आज मैं इंशाल्लाह चारा और तेली काश्त करूँगा। और अभी ये ट्रैक्टर चल रहा है, डिक्स लगा रहा है, उसके बाद बीज फेंकेंगे। बीज के बाद और एक हल्की सी लगाएगा, उसके बाद स्वाका। और ये ज्वार का बीज है, और चार कनाल जो है वो ज्वार काश्त करनी है। और चारा काट के सुबह से रेडी पे रख दिया, और अब ट्रैक्टर का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि कल जो है ट्रैक्टर वाले ने काफ़ी लेट कर दी और बीज जो है वो रात को फेंक दिया था, शाम को तकरीबन मगरब से पहले। और अब इस पर एक हल्की सी लगा के, और उसके अलावा उसके बाद स्वागा फेर देंगे ऊपर। और ट्रैक्टर आ गया और पहले हल्की सी लगा रहे हैं। तिली में दो बने निकाल लिए और इस बाबे को झाड़ी पर रखा बने निकालने के लिए। और अभी ये खाला सेट करने वाला है, और इसके अलावा ज्वार जो है कास की है, उसके बन्ने जो है पानी के लिए रोक जो है वो मुकम्मल कर लिया। एक जी लंबी लगाई है, एक आगे ऐसे लगाई गोल। ट्रेन भी बना रहा है, मिस्टर T2। और ये तिल का बीज है, ये हम एक एकड़ में 2 किलो डालेंगे, और इस रकबे के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से एक एकड़ में 1.5 किलो बीज पड़ता है, और 2 किलो बीज और 2.5 किलो बीज। ज़्यादा बीज नहीं डालना चाहिए, कम से कम 1.5 किलो या 2.5 किलो बीज इतना डालना चाहिए एक एकड़ में। अगर आप बीज ज़्यादा डालेंगे तो पौधा जो है बिल्कुल ब्रीक होगा, और सही तरह उसको बीज नहीं लगेगा, सही तरह पौधा उगेगा नहीं। अगर कम भी होगा तो जब ये बूटा जो है वो पौधा वगैरह जो है वो जब होगा तो वो तकरीबन बड़ा होगा, उसके 4-5 टहनियाँ निकलेंगी, फिर बढ़ेगा फूलेगा और बड़ा होगा।